नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। स्वतंत्र भारत में अभी तक 78 यानी 78 तरह के 5 रुपये के सिक्के जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से मेरे पास में 53 यानी 53 तरह के 5 रुपये के सिक्के मौजूद हैं। 5 रुपये के सिक्के मूलतः 4 प्रकार के धातुओं से बनी हुई थी। पहला निकल, दूसरा कॉपर निकल, तीसरा स्टेनलेस स्टील और चौथा निकल ब्रास। सिक्के किस धातु से बने हुए हैं इसके आधार पर मैंने ये ग्रुपिंग कर रखी है। सिक्कों के दूसरे लेवल की ग्रुपिंग सिक्कों के जारी करने के कारण के आधार पर की गई है। या तो सिक्के किसी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, या तो किसी इंस्टीट्यूशन को, या फिर किसी इवेंट को कमेमोरेट की गई है। हमारा सबसे पहला सिक्का स्वतंत्र भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला 5 रुपये का सिक्का था, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि को समर्पित था। ये 1985 में इशू किया गया कॉपर निकल का सिक्का था। ये वेट में 12.61 ग्राम्स का था, जो कि अब तक का 5 रुपये के सिक्कों में से सबसे भारी था। डायमीटर इसकी 30.5 mm की थी, जो कि इसे सबसे ज़्यादा डायमीटर वाले कॉइन्स यानी सिक्कों में से दूसरा स्थान इसे दिलाता है। इसकी थिकनेस 2.1 mm की थी। जो हमारा दूसरा सिक्का था वो 1989 यानी 1989 में इशू किया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू के बर्थ सेंटेनरी को समर्पित था। ये भी कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का था और ये 12.45 ग्राम्स का था, जो कि इसे वेट में दूसरा सिक्का बनाता है अब तक के 5 रुपये के सिक्कों में। इसकी डायमीटर 30.8 mm की थी, जो कि पिछले सिक्के से, इंदिरा गांधी के को समर्पित सिक्के से थोड़ा सा बड़ा था। 30.8 mm का था ये, और ये थिकनेस में भी 2.1 mm का था। जो हमारा तीसरा सिक्का है वो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री यानी श्री लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित था। ये सिक्का 2004 में इशू किया गया था और ये सिक्का एक सेट में इशू किया गया था, जिसमें एक कॉपर निकल का कॉइन था और दूसरा सिक्का स्टेनलेस स्टील का था। दोनों ही वेट डायमीटर में 23 mm का था और थिकनेस 2.19 mm की थी। और वेट जहाँ कॉपर निकल सिक्के की 9 ग्राम थी और स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के की वेट 6 ग्राम थी। हमारा चौथा सिक्का 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस को समर्पित था। ये सेंट थिरुवल्लुवर का चित्र के साथ में आया था। थिरुवल्लुवर जो वल्लुवर के भी नाम से भी जाने जाते थे, वे एक तमिल कवि और साहित्यकार थे। इस सिक्के को 1995 यानी 1995 में इशू किया गया था। यह कॉपर निकल का बना हुआ था। वेट में 9 ग्राम्स, डायमीटर 23.3 mm और थिकनेस 2.94 mm की थी। हमारा पांचवा सिक्का के कामराज को समर्पित था। ये सिक्का 2003 में इशू किया गया था। के कामराज इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक भी थे। ये सिक्का 2003 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का बना हुआ था। वेट 9 ग्राम, डायमीटर में 23.6 mm और थिकनेस 2.9 mm की थी। जो हमारा छठा सिक्का है वो महात्मा बसवेश्वर को समर्पित था। महात्मा बसवेश्वर या बसवा या बसवन्ना कन्नड़ भाषा के कवि और साहित्यकार थे। ये सिक्का एक सेट में आया था, जो कि 2 सिक्कों का सेट था। 2006 में इशू किया गया था। एक कॉपर निकल का बना हुआ था, दूसरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था। बाकी डायमीटर और थिकनेस दोनों की ही एक समान थी, जो कि डायमीटर 23 सेंटीमीटर्स का था और थिकनेस 3 mm की थी। और वेट में कॉपर निकल का सिक्का 9 ग्राम का था और जो स्टेनलेस स्टील का सिक्का था वो 6 ग्राम का था। हमारा अगला सिक्का ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन
के 50 साल पूरा होने पे 2006 में इशू किया गया था। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का था, वेट में 6 ग्राम, डायमीटर 23 mm का था और थिकनेस 2.13 mm की थी। हमारा अगला सिक्का शहीद भगत सिंह के जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2007 में इशू किया गया था। ये भी स्टेनलेस स्टील का सिक्का था, वेट में 6.1 ग्राम्स और डायमीटर में 23 mm का था, थिकनेस 2.13 mm की थी। हमारा अगला सिक्का डांडी मार्च के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2005 में इशू किया गया था। ये भी स्टेनलेस स्टील का सिक्का था, वेट में 6 ग्राम्स, डायमीटर 23 mm, थिकनेस 2.2 mm की थी। हमारा अगला सिक्का जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव को समर्पित था। जगत गुरु केरला के प्रख्यात दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ये सिक्का 2006 में इशू किया गया था, स्टेनलेस स्टील का सिक्का, 6 ग्राम का वेट, 23 mm का डायमीटर और थिकनेस 2.13 mm की थी। हमारा अगला सिक्का जैनो के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन कल्याण के 2600 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में इशू किया गया था। ये 2001 में इशू किया गया था। ये सिक्का कॉपर निकल का बना हुआ था, वेट में 9 ग्राम, डायमीटर 23.19 mm और थिकनेस 2.77 mm की थी। अगला सिक्का एक स्टैंडर्ड सर्कुलेशन इशू था। ये 1992 यानी 1992 से लेकर 2004 तक इशू होता रहा। ये कॉपर निकल का बना हुआ था, वेट में 9 ग्राम और डायमीटर 23 mm का था और थिकनेस 3 mm की थी। हमारा अगला सिक्का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1995 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का सिक्का 9 ग्राम का था, डायमीटर में 23 mm और थिकनेस इसकी 3 mm की थी। हमारा अगला सिक्का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में वर्ल्ड ऑफ वर्क के नाम से ये इस सिक्का इशू किया गया था 1994 यानी 1994 में। ये कॉपर निकल का था और इसकी वेट 9 ग्राम की थी, इसका डायमीटर 23 mm और थिकनेस 2.7 mm की थी। जो हमारा अगला सिक्का है वो यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1995 में इशू किया गया था। ये भी कॉपर निकल का सिक्का था, वेट 9 ग्राम थी और डायमीटर 23 mm का था, थिकनेस 2.9 mm की थी। अगला सिक्का माओं और बच्चों के स्वास्थ्य को समर्पित था। ये सिक्का 1996 में इशू किया गया था, कॉपर निकल का बना हुआ था, वेट 9 ग्राम, डायमीटर 23 mm और थिकनेस 2.85 mm की थी। अगला सिक्का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के 200 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था। ये 2006 में ये सिक्का आया था और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था, वेट इसकी 6.1 ग्राम्स की थी, डायमीटर 23 mm का और थिकनेस 2.13 mm की थी। अगला सिक्का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इशू किया गया था। ये 2007 से लेकर 2008 के बीच में इशू की गई थी और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था, वेट में ये 6 ग्राम का था, डायमीटर इसकी 23 mm की थी, थिकनेस 2.13 mm की थी। अब हम अपने निकल ब्रास के सिक्कों के सेक्शन में चलते हैं। तो पहला सिक्का हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 25 साल पूरा होने यानी सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में इशू किया गया था और ये 2012 में इशू किया गया था। हमारा अगला सिक्का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था, ये 2010 में इशू किया गया था और इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं चाणक्य की तस्वीर भी बनी हुई थी। अगले तीन सिक्के स्टैंडर्ड सर्कुलेशन इश्यूज हैं, जो कि सबसे पहला सिक्का 2009 से 10 के बीच में इशू किया गया था,
ये निकल ब्रास का बना हुआ, 6 ग्राम इसका वेट था, डायमीटर 23 mm और थिकनेस 1.6 mm की थी। ये सिक्का 2010 का है। इसके बाद 2011 से 2019 तक जो 5 रुपये का कॉइन आया उसका वेट थोड़ा कम था, ये 5.89 ग्राम्स का था, डायमीटर उतना ही 23 mm का था और थिकनेस 1.6 mm की थी। 2019 और 20 में जो 5 रुपये का सिक्का इशू किया जा रहा है वो भी निकल ब्रास का है, पर ये वेट में थोड़ा सा भारी है, 6.77 ग्राम्स का है, इसकी डायमीटर भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 25 mm का सिक्का है और थिकनेस इसकी 1.6 mm की है। अगला सिक्का जो 2014 में इशू किया गया था वो बेगम अख्तर को समर्पित था, अख्तरी बाई फैजाबादी एक भारतीय सिनेमा की जानी मानी गायिका और अभिनेत्री थी, उनको उनके काम के लिए भारतीय सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये निकल ब्रास का सिक्का 6 ग्राम का था और 23 mm इसकी डायमीटर और थिकनेस 1.6 mm की थी। अगला सिक्का 2010 में इशू किया गया था और ये मदर टेरेसा के जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था, ये भी वेट में 6 ग्राम का था, डायमीटर 23 mm की थी और थिकनेस 1.6 mm का था। अगला सिक्का 2009 में इशू किया गया था, ये सेंट अल्फोंसो के बर्थ सेंटिनरी यानी 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया था। सेंट अल्फोंसो भारतीय मूल की पहली रिलीजियस सिस्टर थी जिन्हें वैटिकन सिटी के कैथोलिक चर्च ने सेंटहुड प्रदान किया था। अगला सिक्का 2015 का है, ये रानी गायदिन लियू के बर्थ सेंटेनरी यानी उनके जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था। रानी गायदिन लियू नागा स्पिरिचुअल लीडर और फ्रीडम फाइटर थी। अगला सिक्का स्वामी विवेकानंद के जन्म के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2013 में इशू किया गया था, ये भी निकल ब्रास का सिक्का, वेट में 6 ग्राम और डायमीटर 23 mm का था, थिकनेस 1.6 mm की थी। हमारा अगला सिक्का 2009 में इशू की गई थी, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म के 125 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू की गई थी। अगला सिक्का रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2011 में इशू की गई थी, ये भी निकल ब्रास का था, 6 ग्राम का वेट था, 23 mm डायमीटर थी इसकी और थिकनेस 1.6 mm की थी। अगला सिक्का 2011 में इशू किया गया था, ये श्री मदन मोहन मालवीय के जन्म के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था। श्री मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता संग्रामी थे और वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के संस्थापक भी थे। अगला सिक्का जमशेद जी नुसरवान जी टाटा के जन्म के 175 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2015 में इशू की गई थी। अगला सिक्का पेरारिग्नार अन्नादुराई यानी CN अन्नादुराई जो तमिलनाडु के पहले चीफ मिनिस्टर थे उनको समर्पित था, उनके जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2009 में ये सिक्का इशू किया गया था। अगला सिक्का आचार्य तुलसी जो जैनों के गुरु थे उनके जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2014 में इशू किया गया था। अगला सिक्का 2014 में इशू किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 125 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था। अगला सिक्का 2010 में इशू किया गया था, ये श्री चिदंबरम सुब्रमण्यम के जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था। चिदंबरम सुब्रमण्यम हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वे डिफेंस मिनिस्टर भी थे, वे महाराष्ट्र के गवर्नर भी थे और बाद में वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे।
उनके योगदान के लिए उनको ग्रीन इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। अगला सिक्का श्री प्रशांत चंद्र महलनोबिस यानी पीसी महलनोबिस के जन्म के 125 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2018 में इशू की गई थी। वे वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट और सांख्यिक विद यानी स्टैटिस्टिशियन भी थे। वे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। उनको महलनोबिस डिस्टेंस प्रतिपादित करने के लिए भी जाना जाता है। अगला सिक्का जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के जन्म के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2012 में इशू की गई थी। अगला सिक्का अलाहाबाद हाई कोर्ट के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2016 में इशू की गई थी। अगला सिक्का हमारे भारतीय पार्लियामेंट के 60 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2012 में इशू की गई थी। अगला सिक्का आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2010 में इशू की गई थी। निकल ब्रास का ये सिक्का 6 ग्राम का था, डायमीटर में 23 mm और थिकनेस 1.6 mm की थी। अगला सिक्का मैसूर यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2016 में इशू किया गया था और ये निकल ब्रास का सिक्का 6 ग्राम्स का था, डायमीटर 23 mm और थिकनेस इसकी 1.6 mm की थी। हमारा अगला सिक्का भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2014 में इशू की गई थी। ये निकल ब्रास का सिक्का वेट में 6 ग्राम का था, इसकी डायमीटर भी 23 mm की और थिकनेस 1.6 mm की थी। अगला सिक्का कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2010 से 2012 के बीच में इशू की गई थी। ये निकल ब्रास का सिक्का 6 ग्राम का था और डायमीटर में 23 mm और थिकनेस इसकी 1.6 mm की थी। हमारा अगला सिक्का इंडियन सिविल एविएशन यानी भारतीय उड्डयन के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2011 में इशू किया गया था। ये निकल ब्रास का सिक्का वेट में 6 ग्राम का था, डायमीटर इसकी 23 mm और थिकनेस 1.6 mm की थी। अगला सिक्का ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के स्थापना के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2011 में इशू की गई थी। हमारा अगला सिक्का कोलकाता मिंट के 60 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2012 में इशू की गई थी। ये निकल ब्रास का सिक्का भी 6 ग्राम का था और डायमीटर में 23 mm का और इसकी थिकनेस 1.6 mm की थी। हमारा अगला सिक्का कुका मूवमेंट के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था। ये सिक्का 2013 में इशू किया गया था। सतगुरु राम सिंह जी कुका जो नामधारी सिख जत्था के 12वें गुरु थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ब्रिटेन में बनी चीज़ों का बहिष्कार करने पर जोर दिया था। हमारा अगला सिक्का 2014 में कोमागाता मारू इंसिडेंट के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं ये शिप जो बनी हुई है, यही कोमागाता मारू जापानीज शिप थी जिसे सिंगापुर में रहने वाले एक बाबा गुरदीत सिंह ने 1914 में हायर किया था और इस पे कुछ पंजाबियों को बिठाकर वे कनाडा लेकर गए थे, जहाँ पे उस समय किसी कारणवश कनाडा में पंजाबियों को इमिग्रेशन नहीं मिल रहा था। इसके वजह से यह इंसिडेंट हुआ था जिसके उपलक्ष्य में ये सिक्का इशू किया गया था। हमारा अगला सिक्का 1965 के ऑपरेशन के गोल्डन जुबली यानी 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2015 में इशू किया गया था। ये निकल ब्रास का सिक्का वेट में 6 ग्राम का था और डायमीटर इसकी 23 mm थी, थिकनेस 1.6 mm की थी।
हमारा आखिरी सिक्का 19वीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के उपलक्ष में इशू किया गया था। यह 2010 से लेकर 2012 तक इशू होता रहा। यह निकल ब्रास का सिक्का 6 ग्राम का था और डायमीटर 23 mm और थिकनेस इसकी 1.6 mm की थी। तो ये रही मेरे 53 यानी 53.5 रुपए के सिक्के मेरे कलेक्शन में से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।